हाँ हाँ दांत ही फाड़ते रहो, बस यही करो, देखो ये मजे लेते रहो, करो फुल एंजॉय। क्या हो गया? तुम्हारी मम्मी का फोन आया था। अरे यार मम्मी ने फिर कुछ कह दिया क्या? अच्छा चलो मैं मम्मी की तरफ से माफी मांगता हूँ, मेरी और मेरी मम्मी को माफ कर दो। ये नौटंकी तो मेरे सामने करने की जरूरत है नहीं, और तुमने मम्मी को ये बोल दिया कि संडे में हम उनके घर जा रहे हैं, किससे पूछ के? खुद से। सही है, पहले तुमने ये मजाक ही कर लो, ठीक है? और वैसे भी तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को कोई मेरी फीलिंग्स की कदर तो है नहीं, ये बिल्कुल एंजॉय करो तुम, और तुम तो मम्मास बॉय बनके ही रहना चाहते हो ना, तो रहो। अरे अच्छा नहीं कर रहा मजाक, गुस्सा क्यों कर रही हो यार? मम्मी ने बहुत प्यार से बोला था, अभी कैसे मना कर देता उन्हें। अच्छा ये जानते हुए भी कि संडे को मेरे बॉस के घर फैमिली डिनर पे जाना है ना? बेबी भूल गया था। हाँ हाँ तुम तो भूल ही जाओगे, तुम्हें मेरी चीजें याद क्यों रहेंगी? और तुम भूल गए ठीक है, तुम्हारी मम्मी भी भूल गई, उनको तो बताया था ना मैंने, लेकिन वो क्यों याद रखेंगी? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेरे बॉस के घर जाएंगे डिनर पे तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा तो उन्हें प्रॉब्लम हो जाएगी, वो तो चाहती नहीं मैं नौकरी करूँ, बस यही चाहते तुम लोग ऐसे ही खुश रह सकते हो, रहो। यार तुम कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रही हो, अभी माँ भूल गई होगी ना, मैं माँ से बात करके आता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बात करके आता हूँ, वो मुझे कभी ताना मारना तो नहीं भूलती, लेकिन ये जरूर भूल जाती कि हमें डिनर पे जाना है, क्योंकि वो चाहती है कि मैं नौकरी ना करूँ, क्योंकि वो चाहती है मैं घर में ही घुसी रहूँ, यहाँ पे पड़ी रहूँ, लेकिन नहीं, अगर उन्हें पता लग गया मैं नौकरी पे जा रही हूँ तो उन्हें दिक्कत हो जाएगी। और कान खोल के सुन लो कि मैं नौकरी पर जाऊंगी, मैं उनकी कोई बात नहीं सुनूंगी। यार तुम कहाँ की बातें कहाँ लेकर जा रही हो, अभी मैं क्या बोलूंगा इसमें? अच्छा सही है, तुम तो उन्हीं की साइड लोगी ना, मम्मा बॉय जो ठहरे, ठीक है तुम उन्हीं की साइड लो, तुम दोनों ना ऐसे ही खुश रहो, वो तो चाहती ही है ना कि मैं नौकरी ना करूं, सही है, तुम्हारा खुशी इसी में है ना, करो तुम दोनों। माँ तुम्हें रोकती है? हाँ, और हमेशा रोका है। बस बहुत हो गया, आज मैं माँ का फुल एंड फाइनल करके रहूंगा, देख लेना आज तुम। तुम्हें क्या हो गया? वही जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, माँ तुमको ताने मारती है, तुमको आज मैं माँ का फुल एंड फाइनल कर दूंगा सिमरन। अरे क्या फुल एंड फाइनल? अरे तुम मेरी बीवी हो, मेरी माँ तुम्हें ताने मारती है, तुम्हें रोकती है, मैं ये सब नहीं सह सकता। सिमरन आज फुल एंड फाइनल हो जाएगा, फोन दो फोन दो फोन दो, मुझे माँ से बात करनी, फोन दो। मुझे नहीं पता तुम्हारा फोन कहाँ है, तो तुम अपना फोन दो, मुझे माँ से बात करनी है, फोन दो। कोई जरूरत ही नहीं है फोन करने की। क्यों? अभी तो तुम कह रही थी कि माँ तुम्हें ताना मारती है, तुम्हें रोकती है, और मैं तो मम्मास बॉय हूँ ना, तुम्हारा ख्याल नहीं रखता ना। आज मैं माँ का फुल एंड फाइनल करके रहूंगा, और तो तुम मुझे रोक क्यों रही हो? क्या फुल एंड फाइनल? फुल एंड फाइनल मम्मी ना भूल गई होंगी, उन्हें याद नहीं रहा होगा। तुमने मुझे अभी कहा था कि उन्होंने जानबूझ के किया होगा। अब मैं बोल रही हूँ ना कि वो भूल गई होंगी, और मैं उनसे बात करूंगी, मैं उन्हें समझा दूंगी। अच्छा तुम समझाओगी और बहुत समझ जाएंगी। हाँ 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 समझ जाएंगी समझ जाएंगी। नहीं ऐसा तो नहीं तुम मेरे लिए ये सब कर रही हो? नहीं नहीं ठीक है, अगर मेरे लिए कर रही हो ना तो आज तो माँ का फुल एंड फाइनल मैं कर दूंगा। नहीं तुम शांति से बैठो, और पीडीटी की वीडियोस आ रही है ना, ये रिमोट देखो अच्छी आती है, मैं मम्मी से बात करके आती हूँ। जब बाद में कुछ मत कहना, पहले ही बता रहा हूँ मैं, मम्मी जी समझ जाएंगी, मैं बात कर लूंगी, देख लो अगर कुछ नहीं, नहीं बोलूंगी। हेलो ओ भाई, तेरा फुल एंड फाइनल वाला आइडिया तो काम कर गया, मेरी शेरनी जैसी बीवी बकरी की तरह मिमियाने लगी, मजा आ गया। हाँ बढ़िया था, अब इससे पहले वो चांडाल नहीं दोबारा आए, मैं टीवी देख लेता हूँ, कल मिलते हैं ऑफिस में। अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और उसको आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हमने एक वेबसाइट बनाई है जिसका नाम है nijo.plus। इसका फेसबुक ग्रुप चैट के लिए अवेलेबल है, और कॉलिंग के लिए आप हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स हमने अपने कॉमेंट सेक्शन में डाला है। तो नाम है nijo.plus।